नमस्कार मित्रों, मैं हूं देव वर्मा और आप देख रहे हैं धर्मयोद्धा चैनल। धर्मयोद्धा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो हम बात करेंगे कि बालाजी महाराज हमें किस प्रकार से दर्शन देते हैं और आपको किस प्रकार से दर्शन देते हैं, वह सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फिर आप बाद में भूल जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, इसीलिए आप इस काम को अभी कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो लोग बाबा जी की घर में सेवा पूजा करते हैं और बिना किसी स्वार्थ के करते हैं और एक कॉमन पूजा करते हैं, जो नॉर्मली जो पूजा होती है, उनको प्रसन्न होकर के बाबा जी किस प्रकार से दर्शन देते हैं। ठीक है, तो आप जब घर में सो रहे होते हैं तो सुबह 4 बजे के समय में, सुबह पहला प्रहर जो होता है 4 बजे का, तो सुबह 4 बजे के समय में जो है बाबा जी आपको दर्शन देते हैं। और वो जो सपना जो होता है, तो वो सपना नहीं, एक संकेतों की तरह होता है। जैसे मैंने संकेतों वाले वीडियो में बताया था आपको, तो संकेतों की तरह होता है। ये संकेतों में इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, वो मैं आपको बता दूँ क्या फ़र्क होता है। तो देखिए, जब आप सो रहे होते हैं तो सोते समय आपकी जो है आंखें बंद रहती हैं और नींद खुल जाती है, अंदर से कंफर्टेबल फील होता है, जैसे कि आपकी नींद पूरी हो चुकी है और आपकी जो है आंखें बंद रहती हैं। और उस समय बाबा जी जब आपके सामने आते हैं, नज़रों के सामने, वो आपको दर्शन देना चाहते हैं, और वो आपको दर्शन जब देते हैं तो आपको गुदगुदी फील होती है अंदर से, एक खुशी महसूस होती है बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपको अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। कभी कभी तो हंसी भी निकल जाती है सोते सोते में, और घर वाले चौंक जाते हैं कि ये अकेले क्या असर है रात में, है ना। तो इस प्रकार से जो है बाबा जी आपको दर्शन देते हैं। और संकेतों में मैंने आपको बताया था, संकेतों में इसमें क्या फ़र्क होता है, ये संकेतों वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। संकेतों में आपको डर लगता है, संकेत जब बाबा जी देते हैं तो आपको जो है डर लगेगा, और जो दर्शन देंगे तो उसमें आपको गुदगुदी फील होगी, खुशी महसूस ही होगी बहुत ज़्यादा, आप खुश हो रहे होंगे, बिल्कुल कंफर्टेबल, हाँ आज मेरा दिन अच्छा जाएगा, आप ऐसा कुछ सोच रहे होंगे अपने मन में। और संकेतों के दौरान आपको डर लगता है, और संकेतों का समय अलग होता है, लेकिन यह दर्शन का समय सुबह 4 बजे का होता है, और संकेतों का जो समय है वह जो है रात को 1 बजे से लेकर के 3 बजे का होता है। तो इन दोनों में जो है इतना फर्क है जो मैंने आपको बताया है। आपने अगर संकेतों वाला वीडियो नहीं देखा है, आप उसे भी देखिएगा, आपको पूरी जानकारी हो जाएगी दोनों के बारे में, दर्शन के बारे में भी और संकेतों के बारे में भी। अब मैं बात करूँगा कि जो है हम लोगों को, साधक लोगों को दर्शन कैसे देते हैं। जिस प्रकार से आपको मैंने बताया है उस प्रकार से मुझे भी पहले मिलते थे, लेकिन अब मैं साधना जब से शुरू की है तो अब कुछ अलग प्रकार से दर्शन देने लगे हैं बाबा जी। और किस प्रकार से देने लगे हैं कि कभी किसी ना किसी रूप में साक्षात आ जाते हैं, अपने साक्षी रूप में नहीं आते, लेकिन किसी ना किसी रूप में एक दिन में दो दिन में, जब उनका मन होता है दर्शन देने का, जब वो प्रसन्न होते हैं हमसे, हमारी सेवा से, तो वह हमें दर्शन देने के लिए आ जाते हैं किसी ना किसी रूप में। लेकिन उन्हें पहचानना हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल कार्य है, हम भी उन्हें नहीं पहचान पाते हैं, और जो है उन्हें जो कहना होता है वो कुछ कह जाते हैं अपने मन की बात, और उन्हें कुछ चाहिए होता है हमारे हाथों से भोग प्रसाद, तो वो ले जाते हैं। जैसे कि हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं, अचानक किसी गरीब के भेष में आ गए, है ना, जो गरीब होते हैं उनके भेष में आ गए, या फिर किसी साधु महात्मा के भेष में आ गए कि बेटा मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, भूख लग रही है, तो हमने उन्हें कुछ खिला दिया, परीक्षाएँ लेने के लिए आते हैं वो हमारी, और परीक्षाएँ लेने के साथ साथ इसी प्रकार से हमें दर्शन भी दे देते हैं। और हम तो किसी से मना कर नहीं सकते हैं और ना ही करते हैं, क्योंकि ऐसा हमें बाबा का आदेश है कि कभी किसी को खाने की मना मत करना, खासतौर से खाना और एक पानी, ये दो चीज़ों की कभी मना मत करना किसी को, तो हम तो मना करते नहीं हैं। जो भी जो है हमसे होता है सेवा, जो भी हमारी जेब में है या फिर हमारे आस पास में जो भी दुकान है, हम उन्हें कुछ ना कुछ ले करके देते हैं और हमें खुशी से आशीर्वाद दे करके जाते हैं। इस प्रकार से हम साधक लोगों को दर्शन देते हैं। और जो है कभी जो है उनका मन होता है तो शनिवार और मंगलवार को वो हमारे ऊपर सवारी भी करने आ जाते हैं। जैसे हम उनकी जब साधना करने बैठते हैं तो शनिवार मंगलवार को, तो जो है वो हमें हमारे ऊपर जो सवारी भी कर जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि हमारे घर पर जो है कुछ लोग आ गए थे कि बाबा जी आएंगे तो हम कुछ पूछेंगे, लेकिन बाबा जी नहीं आए, उनकी मर्जी नहीं थी उन्हें दर्शन देने की या फिर उनका कुछ काम करने की। ठीक है, तो कभी कभी नहीं भी आते हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम लोग जो काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं हम आकर के वैसे ही अपना सिर हिलाने लग जाएं जो है और लोगों की तरह, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो है जब बाबा आते हैं उस वक्त हमें कुछ होश नहीं होता है,
और बिल्कुल हम बेहोशी में होते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ठीक है, जो भी कुछ कहते हैं वही कहते हैं, जो भी कहते हैं वही कहते हैं, और इसी प्रकार से यह प्रक्रिया चलती रहती है। अब मित्रों आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे और मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख कर जाइएगा। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।